सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू व उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने सोमवार को सदर अस्पताल पहुंचकर आईसीयू वार्ड का निरीक्षण किया और व्यवस्था का जायजा लिया। मौके पर सिविल सर्जन समेत अस्पताल के कई चिकित्सक व कर्मी मौजूद रहे। बताया गया कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर के आने की चर्चा हो रही है, इस वजह से तमाम तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम जिले भर में किया जा रहा है। इसी कड़ी में आईसीयू वार्ड का निरीक्षण कर व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश जारी किया गया। बताया गया कि अगर तीसरी लहर आती है तो उससे पहले सदर अस्पताल समेत सभी स्वास्थ्य सेवाएं इकाइयों ने जरूरी व्यवस्था को पूर्ण करने की तैयारी चल रही है। खासकर जिले में ऑक्सीजन की कमी ना हो, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। थर्ड वेव की तैयारी के लिए सदर अस्पताल में तथा जिले के अन्य अस्पतालों में निरंतर कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में जो सदर अस्पताल है, यहाँ के वार्डों में ऑक्सीजन पाइपलाइन के माध्यम से बेड्स को ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए पाइपलाइन जो है पैमाने पर इस्टेब्लिश किया जा रहा है। 170 की संख्या में बेड्स में ऑक्सीजन पाइपलाइन कनेक्शन के लिए आवश्यक तैयारियाँ वर्तमान में चल रही हैं और इन सभी ऑक्सीजन पाइपलाइन को इधर ऑक्सीजन मैनिफोल्ड सिलेंडर्स के माध्यम से या फिर पीएसए प्लांट के माध्यम से ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी। बेसिकली दोनों बैकअप के रूप में कार्य करेंगे। अगर ऑक्सीजन मैनिफोल्ड सिलेंडर हमारे पास पहले उपलब्ध रहेगा तो उसके माध्यम से सारे सिलेंडर पाइपलाइन से ऑक्सीजन दिया जाएगा। अगर वो फेल करता है तो ऑक्सीजन पीएसए प्लांट के माध्यम से ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी। ऑक्सीजन पीएसए प्लांट हमारे जिले में 4 लोकेशंस पे लग रहे हैं। सदर अस्पताल में 1000 एलपीएम का ऑक्सीजन पीएसए प्लांट लग रहा है। पीएसए प्लांट अर्थात प्रेशर एब्जॉर्प्शन स्विंग ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट होता है। ये 1000 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, अर्थात हर मिनट हम लोग यहाँ के जितने भी बेड हैं वहाँ पर 1000 लीटर ऑक्सीजन उपलब्ध हर एक मिनट में करा सकते हैं। नॉर्मली कोई बहुत ज़्यादा सीरियस पेशेंट होता है जिसका ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन अगर हो गया होता है तो उसको भी 10 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन देने से उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन अच्छी इंप्रूव हो जाती है। तो सदर अस्पताल में ये ऑक्सीजन पीएसए प्लांट की स्थापना का कार्य डीआरडीओ को सौंपा गया है और साइट प्रिपरेशन एजेंसी के रूप में एनएचएआई नामित है। इसी प्रकार से सीएचसी बगोदर, एएनएम हॉस्पिटल बरमोरिया तथा चैताडी एमसीएच हॉस्पिटल, इन तीन लोकेशंस पर भी ऑक्सीजन पीएसए प्लांट लगाए जा रहे हैं। एएनएम बरमोरिया और चैताडी हॉस्पिटल में टाटा स्टील के द्वारा पीएसए प्लांट लगाए जा रहे हैं और सदर सीएचसी हॉस्पिटल बगोदर में अगेन डीआरडीओ तथा एनएचए के माध्यम से पीएसए प्लांट लगाया जा रहा है। जितने भी सीएचसी ज़िले में हैं उन जगहों पर भी पेडियाट्रिक वार्ड्स पर काम किया गया है। हर एक सीएचसी में 10 से 15 बच्चों के लिए वार्ड बनाए गए हैं। अगर इनकेस थर्ड फेज आता है तो उसके लिए जिले के जितने भी एमओज हैं, जितने भी एसएनसी के डॉक्टर्स हैं, जितने भी पेडियाट्रिशियंस हैं, सभी की डिस्ट्रिक्ट लेवल ओरिएंटेशन कंप्लीट कराई गई है और अब सभी को स्टेट लेवल पेडियाट्रिक ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जा रही है। इस पूरी प्रक्रिया में कई एक इक्विपमेंट्स और मेडिकल कंज्यूमेबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सारे बेड रिलेटेड इक्विपमेंट्स, बहुत सारे रेस्पिरेटरी रिलेटेड इक्विपमेंट्स, बहुत सारे इमरजेंसी इक्विपमेंट्स, बहुत सारे डायग्नोसिस इक्विपमेंट्स, बहुत सारी दवाइयों की आवश्यकता पड़ेगी। तो उन सभी इक्विपमेंट्स और दवाइयों की लिस्टिंग रेडी कर ली गई है। काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स और दवाइयों को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा जिसके लिए डिमांड वहाँ पर भेज दिया गया। बहुत सारी लोकल इक्विपमेंट होगी जिसको भी लोकल तरीके से प्रोक्योर किया जाएगा।